राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रखी है। नेपाली मूल की युवती से सामूहिक दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। तो 2015 का ये पूरा मामला रहा जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की ओर से दोषियों को फांसी की सजा का फैसला सुनाया गया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने मामले को हुबहू रखा, उसे बदला नहीं गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए जो निचली अदालत थी उनके फैसले को बदल दिया है, उन पर रोक लगा दी है। यानी कि जो फांसी की सजा सुनाई गई थी वो अब दोषियों को नहीं मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की मृत्युदंड के फैसले पर रोक लगा दी है। और 2015 का ये मामला था, आपको याद होगा, निशंस तरीके से किस तरह से नेपाली मूल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया था। निर्भया कांड से भी तुलना की गई थी इस पूरी वारदात की और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार भी सवालों के घेरे में आई थी। हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट का समय रहते फैसला सुनाया जाना और उसमें फैसला सुनाए जाने के अलावा भी फांसी की सजा सुनाया जाना, ये अपने आप में उस वक्त लगा था कि जो पीड़िता थी उसके परिजनों को इंसाफ जरूर मिला है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है और फांसी की सजा जो सुनाई गई थी उसे रोक दिया गया है। तो सभी आरोपियों में से एक नाबालिग भी बचाया गया था। तो एक जुवेनाइल के अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट में सभी आरोपियों को दोषी पाया गया था, दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि एक जो आरोपी रहा उसने खुदकुशी भी कर ली थी फैसला सुनाए जाने से पहले। तो सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। जो फांसी की सजा का फैसला सुनाया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक दिया गया है।